वाइज ये है अपना सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर। एंड ये जो स्कूटर है ना फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता लग गई है, लाइक जो है कब डिलीवरी स्टार्ट होगी, क्या कुछ इसकी प्राइस होगी, एंड जो है भाई क्या इसकी रेंज है, सारी चीज़ें अपने को पता चल चुकी है। तो आज इस छोटी सी वीडियो में जो ना मेन सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। डिटेल रिव्यू ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे डाल दिया है, तो वो आप लोग जाके देख लेना। तो फिलहाल जो है अपन बात करते हैं इस स्कूटर के बारे में। सबसे पहले तो की देखो भाई, अच्छी सी की यहाँ पे दे दी इन्होंने, इतनी बुरी की जो है नहीं है, और ना ही स्कूटर। तो यहाँ पे स्कूटर जो है काफ़ी प्रीमियम है, जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार स्कूटर है ये इलेक्ट्रिक, इसको जो अपन इलेक्ट्रिक स्कूटर बोल सकते हैं। वरना जो है भाई स्कूटर्स के नाम पे आजकल काफ़ी कुछ जो है इंडियन मार्केट में चल रहा है, तो यहाँ पे जो है एक बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी हमने इसको चलाया नहीं है। तो जब चला लेंगे तो अच्छे से जो है अपन बोल सकते हैं कि हाँ बेस्ट है क्या है वो सारी चीज़ें। तो फिलहाल जो बताता हूँ आपको, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो भाई प्राइस क्या है। तो ये जो वेरियंट आप देख रहे हो जिसमें ड्यूल टोन कलर्स वगैरह हैं, तो ये जो है इसका 150,000 रुपीज़ का है। दो मॉडल सिर्फ कलर का फ़र्क है एंड 5,000 रुपीज़ का फ़र्क है। एंड जिससे नीचे वाला वेरिएंट है जो वाइट कलर की मैंने वीडियो डाली थी इससे पहले, उसका जो प्राइस था वो है 1,45,000। एंड अभी जो मैं आपको बताता हूँ इसमें रेंज एंड जो है पावर वो सब कितनी है, तो एक बैटरी तो भाई इसके पीछे जो है दी गई है यहाँ पर। ये जो है पोर्टेबल बैटरी लाइक जिसको आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसकी लाइक जो है कैपेसिटी या फिर जो है जो फिक्स्ड वाली बैटरी, इन दोनों की जो अलग से तो मैं नहीं बता सकता है भाई कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि दोनों बैटरी साथ में ही जो है लग के तभी चलती है। ये नहीं एक बैटरी निकाल ली और दूसरी से आप चला सकते हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो दोनों ही बैटरी आपको लगानी पड़ेगी। 212 किलोमीटर की जो है रेंज कंपनी क्लेम कर रही है, कंपनी ने 225 क्लेम की है फुल बैटरी में। एंड जब 6% बैटरी इसकी रिमेनिंग रहती है तो कंपनी ने जो है 212 मतलब 212 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे की है। अभी जो है मोटर पे आ जाते हैं, तो ये इसकी मोटर, और मोटर जो है भाई इसकी काफ़ी पावरफुल है। 5 किलोवाट आवर जो है लाइक 8.5 किलोवाट की जो इसकी पावर है, पीक पावर है। एंड 72 न्यूटन मीटर्स का जो है टॉर्क है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब स्पिन भी कर सकते हो टायर, बर्नआउट भी कर सकते हो सब कुछ। टॉप स्पीड जो है 105 की है इसकी, काफ़ी अच्छी है। पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है। उसके बाद ये जो स्कूटर है ना, इसकी डिलीवरी कब होगी वो आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो डिलीवरीज है वो स्टार्ट हो जाएंगी 6 जून से बेंगलोर में। जो लोग बेंगलोर से लेना चाहते हैं, लाइक जो है जिन्होंने बेंगलोर से बुक की थी, उनको जो है ये 6 तारीख को मिल जाएगी। लाइक 6 तारीख से इनकी फर्स्ट डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी इसी 6 जून से। तो यहाँ पे कुछ ही दिन बचे हैं, आप लोगों को जो है मिल जाएगी जल्दी ही। उसके बाद गाइस जो स्कूटर है वो आगे पीछे से देखने में काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्पोर्टी है। ड्यूअल डिस्क है, लाइक आगे भी डिस्क है पीछे भी। ये जो है 7 इंचेस की डिस्प्ले है जो कि टच में है। यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें अपने को मिल जाती है, मैप्स वगैरह और ये सब चीज़ें, तो काफ़ी कुछ जो है इस डिस्प्ले में आपको मिलेगा। एंड विजिबिलिटी भी जो है इसकी काफ़ी बढ़िया है, लाइक जब आप डे में निकलोगे तो आपको जो है यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। मोड्स दिए गए इसके अंदर इको एंड जो है रिवर्स, यहाँ पे जो है डैश, यहाँ पे सोनिक, तो काफ़ी सारे जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे मोड्स वगैरह। उसके बाद साइड से जो है देख सकते हो कुछ ऐसा अपना स्कूटर लगता है। तो यहाँ पे जो है जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है, प्राइस, डिलीवरी एंड जो है टॉप स्पीड, उसी के साथ में जो इसके राइडिंग मोड्स वगैरह मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें थी भाई सिंपल वन के स्कूटर में जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये था यार अपना आज का एक छोटा सा रिव्यू, नहीं बोलूँगा बट हाँ शॉर्ट रिव्यू बोल सकते हैं, जिसमें कि हमने मेन चीज़ें कवर की है। हाँ एक चीज़ रहेगी, चार्जिंग टाइम तो 6 से 7 घंटे आप मान के चलो जब घर पे चार्ज करोगे, तो इतना टाइम तो यार इसमें लगने वाला है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो चलो यार ये देखो आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।